सिद्धार्थनगर में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में प्रत्याशियों द्वारा लगातार नामांकन किया जा रहा है। ऐसे में आज नगर पंचायत डुमरियागंज से बहुजन समाज पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी साजिया अतीक पत्नी अतीकुर रहमान ने बसपा नेता इरफान अहमद मालिक समेत भारी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन किया। बता दें, पिछले चुनाव में ये सेकंड रनर रही हैं। बसपा अध्यक्ष पद प्रत्याशी प्रतिनिधि अतीकुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहन कुमारी मायावती जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। मौजूदा चेयरमैन ने विकास के नाम पर केवल ठेंगा दिखाने का काम किया है। नगर पंचायत में 5 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ है। नगर पंचायत दलालों का अड्डा बना रहा। नगर पंचायत में चौमुखी विकास करना हमारा लक्ष्य है। देखिए, मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे युवा पर भरोसा करके बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हमारा जो मेन उद्देश्य है नगर पंचायत डुमरियागंज का चौमुखी विकास, जो 5 सालों में पूरी तरीके से जर्जर और ध्वस्त पड़े सड़कों का, चारों तरफ जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नगर पंचायत जो लूट का अड्डा बना दिया गया है, आज 5 साल में पूरी जनता त्रस्त है। कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां पर चलने के लायक रास्ता हो। टूटी सड़कें, जर्जर नालियां यह बयां करती हैं कि 5 साल में नगर पंचायत को नरक पंचायत बना दिया गया यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष ने। और इस बार डुमरिया नगर पंचायत की जनता पूरी तरीके से यहाँ परिवर्तन चाहती है और डुमरिया की जनता का जनादेश हमारे साथ है। और डुमरिया की जनता ने अगर जनादेश दिया, जनता का आशीर्वाद रहा, तो संपूर्ण डुमरिया नगर पंचायत का विकास किया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।